देखिए झाड़ से कबूतर निकल रहे, देखिए यार दोस्तों कबूतर देखिए, ये आया आया आया। जैसे नर कबूतर कैसे गुटरते उस टाइप से दोस्तों ये कबूतर गुटर रहा है। ये अंदर में कलर लगा है इसके हल्का हल्का, ये देखिए साइड में लगता है उड़ने वाला कबूतर होगा। इनको दोस्तों अंदर कर देते हैं बंद। ये भी दोस्तों क्रॉस में है सिटी नेट में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजंटी। दोस्तों कैसे हो आप सब, उम्मीद करता सब बढ़िया होंगे। दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और मैं छत के ऊपर में आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों अभी अपने कबूतर खुले। आज दोस्तों मैं जैसे छत के ऊपर में आया वैसे दोस्तों मुझे मेरा एक कबूतर का बच्चा मरा हुआ दिखा, तो आपको दिखाता हूँ दोस्तों मैं। ये जयपुर वाले कबूतर का बच्चा है जो दोस्तों हमने जयपुर से कबूतर लेके आए थे, उन कबूतर का बच्चा है दोस्तों ये। और एक कबूतर का बच्चा मर चुका है दोस्तों। दो बच्चे निकले थे, एक बच्चा एक्सपायर हो गया और एक बच्चा अभी पेटी में रखा है। तो वाला बच्चा आपको दिखाता हूँ वो बच्चा कैसा है। ये देखिए दोस्तों आप, एक जयपुर वाले कबूतर का बच्चा है और ये स्पाइडरमैन को देखिए चल जा बाहर। ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ठीक है। दोस्तों हमें काफ़ी सारे भाई कमेंट कर रहे थे, गोलू भाई आपने जो बगीरा कबूतर के लिए मादी ले गए थे उस कबूतर का क्या हुआ, उसका जोड़ा लगा या नहीं लगा। दोस्तों देखिए आप, ये है ब्लैक फेंटेल जो अपने बाजार से खरीद के लिए गए थे और ये है अपना बगीरा। दोस्तों बगीरा कबूतर ने इस माझी के साथ में जोड़ा लगाया और इस माझी ने दोस्तों अंडे भी दी थी, यहाँ पे अंडे रखे थे कबूतर के, तो उन अंडों को दोस्तों मैंने हटा दिया था। तो दोस्तों इनका सीन ऐसा हो रहा है, जब दोस्तों मैं इनका जोड़ा लगा रहा हूँ तो ये जो ब्लैक फेंटेल आपको दिख रहा है ये दोस्तों गुटर रहा है, मतलब जैसे नर कबूतर कैसे गुटरते हैं उस टाइप से दोस्तों ये कबूतर गुटर रहा है। ये देखिए कि नर है ये मादी है, मुझे समझ में नहीं आ पा रहा है। दोस्तों जिनके वजह से हमने इसको लिए थे वो बोल रहे थे गोलू भाई ये मादी है, मगर अब दोस्तों पता नहीं चल पा रहा है मादी है ये नर है। ये दोस्तों ब्लैक फेंटेल और ये अपना बगीरा। तो दोस्तों आपको करीब में छोड़ के दिखाता थोड़ा मैं, ये देखिए ये कैसी हरकत करता है। ये तो कन्फर्म नर है मगर इसका पता नहीं। इसका दोस्तों मैं जब साथ में जोड़ा लगा रहा हूँ, मतलब एक पीठी पे इन दोनों को उतार रहा हूँ, तो दोनों आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा कर रहे हैं, मतलब दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत मार रहे हैं। और ये जो ब्लैक फेंटेल है मतलब दूसरे कबूतर के ऊपर गुटर भी रहा, जैसे नर कबूतर कैसे गुटरते उस टाइप से दोस्तों ये कबूतर गुटर रहा है। अगर दोस्तों इन दोनों का जोड़ा लग जाता है तो माशाल्लाह दोस्तों देखिए क्या मस्त लगेगा, इसी तरीके से दोस्तों गुटर रहा है। दोनों की आँख भी सेम है, दोनों की पैर भी सेम है। तो मैं तो सोचता हूँ जल्द से जल्द इन कबूतर का जोड़ा लग जाने को ना। तो दोस्तों आज मैं कोशिश करूंगा इस कबूतर का जोड़ा लगाने की और आप भाइयों को बताने की कि नर है या मादी है। अगर दोस्तों कबूतर नर निकल जाएगा तो दोस्तों हमें और एक ब्लैक फेंटेल लेकर आना पड़ेगा हमारे बगीरा कबूतर के लिए। दोस्तों ऐसा होने को नहीं होना, इससे मादी निकलने को ना, नर नहीं निकलने को ना। जिनके वास्ते दोस्तों मैंने स्कूल किया था वो बोले थे मादी है, मगर अब दोस्तों समझ में नहीं आ पा रहा है ये कबूतर यहाँ पे गुटर रहा है। और दोस्तों इसकी शक्ल सूरत से भी इसको देख के लगता है कि मादी है। ये देखिए आप इसकी शक्ल देखिए, आप इसको देख के ऐसा लगता है मादी है। और इसको देख के दोस्तों कोई भी बोल देगा कि नर कबूतर है। इसकी शक्ल देखिए, मतलब जो नर कबूतर रहता है दोस्तों उसका जो चेहरा रहता है थोड़ा अलग रहता, और मादी कबूतरी जो रहती है उसका चेहरा थोड़ा अलग रहता। ये ऊपर में एक मादी बैठी है तो उसका चेहरा देखिए आप कैसा अलग ही है, मतलब मादी जैसा है। और ये एक नर कबूतर है तो इसका भी चेहरा देखिए आप, ऐसा लगता है कि नर है और इसको देख के लगता है मादी है। और इसको भी देख के लगता है कि दोस्तों मादी है, और इसको देख के लगता है दोस्तों नर है। दोस्तों कबूतर की शक्ल देख के समझ में आ जाता है ये नर है या मादी है। तो दोस्तों बाजार में तो मुझे मादी दिख रही थी इसलिए दोस्तों इसको मैंने लेके आया था। अब देखते हैं दोस्तों क्या होता है, इन दोनों कबूतर का जोड़ा लगता है या नहीं लगता है। तो दोस्तों जब अपने सारे कबूतर बंद हो जाएंगे तब दोस्तों हम कोशिश करेंगे इन कबूतर का जोड़ा लगाने की। अभी तो दोस्तों अपने सभी के सभी कबूतर खुले हैं, तकरीबन दोस्तों आधे घंटे में मैं अपने सभी कबूतर बंद कर दूंगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, उनका जोड़ा लगता है या नहीं लगता है। दोस्तों ये आम का झाड़ है और इसके अंदर में दोस्तों अपने घर का जो सेटी नेट कबूतर का बच्चा है वो जाके बढ़ गया। पता नहीं चल रहा दोस्तों उस कबूतर को क्या हो गया, अचानक से कबूतर उड़ा और यहाँ पे आके बढ़ गया। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कबूतर का बच्चा छत के ऊपर में आता है या नहीं आता है। अभी दोस्तों यहाँ पे आके बैठा है मगर आप भाइयों को दिख नहीं पा रहा होगा। तो दोस्तों जैसे ही कबूतर का बच्चा छत के ऊपर में आता है तो वैसे ही आपको बताता हूँ मैं। दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया और दोस्तों कबूतर ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, कबूतर यहाँ पे बैठा झाड़ के ऊपर में, आप भाइयों को दिख नहीं पा रहा होगा क्योंकि दोस्तों झाड़ काफ़ी घना है और कबूतर दोस्तों झाड़ के पीछे साइड में बैठा है, मतलब झाड़ पे बैठा है, मगर दोस्तों आप भाई को दिख नहीं पा रहा होगा। दोस्तों मैं थोड़ी थोड़ी देर में यहाँ से कबूतर ला के छोड़ रहा हूँ। देखिए कबूतर उड़ा, देखिए 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 झाड़ से कबूतर निकल रहे, देखिए यार दोस्तों कबूतर देखिए ये आया 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 आया। ये देखिए दोस्तों काफ़ी आगे चिपका है। दोस्तों ये अपने घर के सेटी नेट कबूतर का बच्चा है जो कि यहाँ पे जाके बढ़ गया। तो अब दोस्तों इसको मैं बाजू की छत से जाके पकड़ता। तो दोस्तों फाइनली कबूतर पकड़ लिया हूँ मैंने, बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई इसको पकड़ने में। कबूतर जाके इस झाड़ के ऊपर बढ़ गया था, छोड़ता हूँ दोस्तों इधर में। बहुत मुश्किल से आया कबूतर हाथ में, नहीं तो दोस्तों कबूतर निकल गया होता तो मिला नहीं होता। दोस्तों अब मुझे सुकून मिला कि कबूतर फाइनली हमारे छत के ऊपर में आ चुका है। दोस्तों पता नहीं कबूतर कब उड़ गया था और यहाँ पे जाके बढ़ गया था। दोस्तों मुझे कबूतर यहाँ पे उड़ते हुए दिखा तो मैं समझ गया कि ये मेरे घर के सेटेंट कबूतर का बच्चा है। दोस्तों अभी ये कबूतर यहाँ पे जाके बैठा है, ये भी दोस्तों क्रॉस में है सिटी नेट में।
और यहाँ पे आके बढ़ गया। इसका दोस्तों टेंशन नहीं, इस कबूतर के पूरे पर है, तो ये कबूतर छत के ऊपर में आ जाएगा। मगर दोस्तों आज ऐसी छोरा ये देखिए यहाँ पे जाके बैठा है कबूतर, देखिए क्या होगा इसको। चल हट, चल ये उड़ गया अपना कबूतर और बाजू की छत के ऊपर में आके बैठ गया। तो दोस्तों ये कबूतर है, देखिए करिए आप कबूतर का शौक, काली चोच है, सफेद आँख है। ये कबूतर के पर है, पर बांधी हमने, कलर लगाए उधर में ज़्यादा लगाए। ये देखिए ये पर है इसके, ये अंदर में कलर लगा है इसके हल्का हल्का। ये देखिए इस साइड में लगता है उड़ने वाला कबूतर होगा किसी का। बड़े पल्ले दिख रहे इसकी मेरे को, है ना। हाँ बड़े पल्ले, कितने बड़े, धूम तो नई नई है कबूतर की। ये देखिए बस मस्त धूम, काली धूम, एक भी सफेद धूम नहीं है। पंजे दिखा दो, लाल पंजे कबूतर के, काले नाखून, काली चोंच। छोड़ो कबूतर को, कबूतर कैसा लगा? एक नंबर कबूतर है ना, उड़ान वाला कबूतर है। और जब कबूतर उड़ का है ना तो बहुत हल्का उड़ रहा था, तो दोस्तों कबूतर ने पानी पी लिया। और कबूतर को दोस्तों मैंने 12 बजे पकड़ा हूँ, तो अब इस कबूतर को डालते हम थोड़ा दाना। ले देखिए ट्रे के अंदर भी दाना है इसी, तो मगर हमने यहाँ पे डाल दिए। ये देखो इसके ऐसा लग रहा कबूतर है ना, हल्का हल्का ये बाजी कैसा, बहुत ही मजा आया इसको। वाह उड़ने कर रहा था कबूतर, बहुत ही मजा आया कबूतर पकड़ने में। तो दोस्तों पेठिया वाले कबूतर मैंने बंद कर दिया हूँ, बस बचे दोस्तों लॉफ वाले कबूतर, तो उनको मैं बंद कर देता हूँ अभी। चलो अंदर, चलो चलो अंदर चल। और दोस्तों ये वो कबूतर है जिसको दोस्तों थोड़ी देर पहले पकड़ा हूँ मैंने, तो इसको यहाँ पे छोड़ता हूँ। ये देखिए आप नर कबूतर है, और दोस्तों बहुत ही मस्त कबूतर है, हाई फ्लेयर कबूतर है। तो दोस्तों हमें बगीरा का जोड़ा लगाना है, तो इसको बाहर छोड़ते हैं हम। अभी हमने बाकी कबूतर बंद कर दिए। देखिए दोस्तों आप मुझे बताना नर है कि मादी है। वैसे दोस्तों मुझे मादी लग रही है, मगर नर जैसी हरकत करता है कबूतर। तकरीबन दोस्तों 10-15 दिन हो चुके हैं इसको लेके आए हुए। दोस्तों मैं तो सोच रहा हूँ जल्द से जल्द इनका जोड़ा लग जाने को ना। दोस्तों ये ऐसे करता है जैसे नर कबूतर कैसे गुटरते, नर के ऐसे गुटरता है, इसलिए दोस्तों इसका जोड़ा लग नहीं पा रहा अभी तक के। इसके गर्दन का काटा देखिए आपके मस्त है, लगता है दोस्तों बहुत जल्दी इनका जोड़ा लगने वाला है। अब दोस्तों इन कबूतर को मैं लॉफ में रखूंगा नहीं, इन कबूतर को दोस्तों मैं पेठी में रखूंगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी मैं इनका जोड़ा लगाने की कोशिश करूंगा। ये तो कन्फर्म नर है, बट दोस्तों इसका मुझे डाउट लग रहा है ये नर है कि मादी है। तो दोस्तों अब मैं इस कबूतर को कर देता हूँ बंद, और दोस्तों बहुत जल्दी मैं इनके लिए एक अच्छा सा काला दे दूंगा। इनको दोस्तों अंदर कर देते हैं बंद। चलो जाओ, ये चीज़ बच गई थी ना एक, चलो जाओ चलो अंदर जाओ। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये कबूतर कैसा लगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज की वीडियो को हम एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।